हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? दिस इज आरती गुप्ता। वेलकम टू लेट सक्सेस बाय आरती गुप्ता। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। तो फटाफट बताइए, ऑडियो मेरी क्लियर है और हम लोग लाइव हैं क्या इस टाइम? तो सब लोग आ जाइए, फिर स्टार्ट कर दें क्लास। आ जाइए सब लोग। अभी मुझे कोई दिख नहीं रहा इस टाइम। अर्पिता जी, गुड मॉर्निंग। आप लोग यहाँ पे सावित्री वर्मा जी आ चुकी हैं, गुड आफ्टरनून। और अर्पिता जी का सी इज द राइट आंसर आ रहा है। फटाफट आइए सब लोग। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स डिस्कवर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ऑफ निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने ग्रीन हाउस प्रभाव की खोज की? ऑप्शन ए दिया जॉन टाइडल, तो ये तो आपके थे नहीं, रोनाल्ड जैक्सन भी नहीं थे। राइट आंसर क्या होगा? जोसेफ फूरियर। ये कौन थे आपके? जोसेफ फूरियर जो थे, ये उन्होंने क्या किया था? ग्रीन हाउस गैस का, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट का था, उनको डिस्कवर किया था। तो राइट आंसर बिल्कुल सी इज द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेकेंड का राइट आंसर देगा सावित्री जी का राइट आंसर है या पिताजी का राइट आंसर है? क्वेश्चन में सेकेंड का राइट आंसर क्या होगा? चार ऑप्शन दिए गए। द इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर विद द इंक्रीज ऑफ एल्टीट्यूड इन द एटमोस्फेयर इज, ठीक है, वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि को क्या कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए दिया गया आपका यहाँ पे पॉजिटिव लैप्सर, ठीक, लैप्स रेट, धनात्मक खास दर हो रही है, यहाँ पे लैप्स हो रही है। ऑप्शन बी दिया निगेटिव लैप्स रेट। देखिए, जब हमारा वायुमंडल में ना ऊंचाई पर जब हम बढ़ते हैं तो उसका तापमान में क्या होती है? निगेटिव होता है, ठीक है, ऋणात्मक ह्रास दर होता है, ठीक है, उसमें क्या होती है? कमी होने की है। तो राइट आंसर क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थर्ड का राइट आंसर है, चार ऑप्शन है, बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर सावित्री जी का, अर्पिता जी का राइट आंसर है। क्वेश्चन में सेकेंड थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा आप लोग? डी कैसे हो जाएगा? डिक्रीज लैप्स रेट, नहीं, घटते नहीं होता है आपका, ऋणात्मक होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। तो सावित्री जी, बी इज द करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन में थर्ड का राइट आंसर दे, चार ऑप्शन दिए गए। यहाँ पे कि विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्राउंड लेवल ओजोन, ठीक है। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जमीन स्तर के ओजोन के निर्माण में योगदान देता है, जमीन में, ठीक है? ऑप्शन ए दिया गया है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन बी दिया कार्बन डाइऑक्साइड, तो होगा नहीं आपका, सल्फर डाइऑक्साइड भी नहीं होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है ना, ये क्या करता है आपका? फॉर्मेशन करता है ग्राउंड लेवल के ओजोन में, ठीक है, बिल्कुल ए इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन में थर्ड का राइट आंसर क्या होगा आपका? ए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ फोर्थ का राइट आंसर, चार ऑप्शन दिए गए, राइट आंसर क्या होगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट निगेटिव इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन अल्ट्रावायलेट लेवल, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पराबैंगनी स्तरों में वृद्धि का नकारात्मक प्रभाव नहीं है? नॉट पूछा गया, नहीं है, ठीक है। यहाँ पे डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल। ऑप्शन ए स्किन कैंसर, आपको पता ही है क्यों होता है यहाँ पे, आई आई केटर एक्ट भी होता है, मोतियाबिंद हो जाती है यहाँ पे, इम्यूनो डिफिशियंसी डिसऑर्डर होता है, लेकिन आपका मोटापा नहीं होता, ठीक है। डी इज द करेक्ट आंसर होगा, जिसे ओबेसिटी बोला जाए, बिल्कुल अर्पिता जी का राइट आंसर, सावित्री जी का राइट आंसर है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ का राइट आंसर देगा, चार ऑप्शन देगा। क्वेश्चन है फिफ्थ का राइट आंसर क्या होगा? इंडिया कंट्रीब्यूट टू द अबाउट दैट परसेंटेज ऑफ द नोन ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, ठीक। ज्ञात वैश्विक जैव विविधता में भारत का योगदान लगभग कितने प्रतिशत है? ऑप्शन ए दिया 6%, ऑप्शन बी दिया गया 8%, ऑप्शन सी दिया 10%, ऑप्शन फोर दिया गया आपका 12%। आपको पता ही है कि जो बायोडाइवर्सिटी है इंडिया में ग्लोबल, तो ये कितने परसेंटेज की बात करती है? तो ये आपका 8%, बिल्कुल बी इज द करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन में आपका फिफ्थ का राइट आंसर क्या होगा? बी। सावित्री जी का राइट आंसर और अर्पिता जी का राइट आंसर, एक लोग हैं, तीन लोग दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही लोग, दो ही लोग कमेंट कर रहे हैं। क्वेश्चन में सिक्स का राइट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है।
क्वेश्चन नंबर सिक्स का राइट आंसर क्या होगा? द यंगेस्ट प्लेयर टू विन द बैलून डी ओ आर, ठीक है, बैलून बैलून डी ओ आर और जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन है? ऑप्शन ए दिए गए क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन बी दिया गया है आपका लियानो मेसी, ऑप्शन सी दिया गया है आपका रोनाल्ड लुइस नजरिया नाजरिया, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सबसे कम उम्र में जो रोनाल्ड थे लुइस नाजरिया नाजरियो, उन्होंने क्या किया था आपका बैलोनो डी और जीतने में सबसे कम उम्र में इन्होंने खेला था। तो राइट आंसर सी इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ, बिल्कुल अर्पिता जी का राइट आंसर, सावित्री जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिए, क्वेश्चन नंबर अपना 7 का राइट आंसर क्या होगा? चार ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फैमिली से भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, सीटेट हो, सुपर टेट हो, केबीएस हो, एमपी टेट हो, आपका डीटे प्लस भी में, ठीक है। फैमिली इज द एक्सिस ऑफ द सोसाइटी हुज स्टेटमेंट स्टेटमेंट इज ई, ठीक है, परिवार समाज की धुरी है, यह कथन किसका है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया गया सी एच कूले, ऑप्शन बी दिया गया है मैके मैकाइवर एंड पेज, ऑप्शन डी दिया सी दिया गया आपका थर्ड वाला अगस्त कैंपेट। अगर हम बात करते हैं तो बताए अगस्त कैंपेट ने ये दिया था स्टेटमेंट कि जो फैमिली इज द एक्सिस ऑफ द सोसाइटी, क्या है आपका? परिवार समाज की एक धुरी है, बिल्कुल यहाँ पे सावित्री जी का अर्पिता जी का राइट आंसर है। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? सी इज द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर, चार ऑप्शन दिए गए, राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सावित्री जी का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर देगा। ऑन फेब्रुअरी 2 वी ऑब्जर्व वर्ल्ड वेटलैंड डे विच मार्क द साइनिंग ऑफ रामसर कन्वेंशन इन बीच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, ठीक है। 2 फरवरी को हमने विश्व अर्ध भूमि दिवस मनाया जो निम्नलिखित में से किस वर्ष में रामसर सम्मेलन पर हस्ताक्षर करने का प्रतीक है? ऑप्शन ए 1968, ऑप्शन सेकेंड देगा 1970, ऑप्शन थर्ड देगा 1971, ऑप्शन फोर देगा 1975। राइट आंसर क्या होगा? 1970 में ये हस्ताक्षर किया गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आप लोग का 8 का राइट आंसर बी इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर देगा, बिल्कुल अर्पिता जी का राइट आंसर है, सावित्री जी का भी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? बीच इज अ सेकेंडरी कंज्यूमर, निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित है, यहाँ पे निमांकित नहीं है, निम्नलिखित है, निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से द्वितीय उपभोक्ता कौन है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया गया एलिफेंट, ऑप्शन बी दिया गया गोट, ऑप्शन सी दिया फॉक्स, ऑप्शन डी दिया मंकी, बताइएगा। चार ऑप्शन दिए गए। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन, बिल्कुल यहाँ पे सावित्री जी का राइट आंसर एलिफेंट नहीं होगा, बकरी भी नहीं होगा, और यहाँ पे बंदर फॉक्स जो होता है आपका द्वितीय होता है, ठीक है, ये आपका द्वितीय होता है, ठीक है। राइट आंसर सी इज द करेक्ट है। बी कैसे हो जाएगा सावित्री जी, एक बार मुझे बताएंगे क्या? द्वितीय उपभोक्ता की बात की गई ना, सेकेंडरी कंज्यूमर की बात की गई, प्राइमरी को खाता है फिर सेकेंडरी खाता है, तो सेकेंडरी यही होगा ना, फॉक्स होगा ना, हाँ, मंकी तो मांस वीस खाता नहीं, ये प्राइमरी होगा, यहाँ पे प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, लेकिन सेकेंडरी बुक का आपका सी इज द राइट आंसर होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10th का राइट आंसर, चार ऑप्शन दिए गए, सी इज द राइट आंसर होगा सावित्री जी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, बिल्कुल सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10th का राइट आंसर क्या होगा? Which of following so climate, soil, forest area, resources, rainfall, etc. निम्नलिखित में से क्या जलवायु, मृदा, वन क्षेत्र, संसाधनों, वर्षा आदि को प्रकट करते हैं, ठीक है। बिल्कुल घास को बकरी खाती है, लेकिन देखिए वहां पे प्राइमरी कंज्यूमर में वो काउंट कर दिया जाता है ना सावित्री वर्मा जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग, ठीक है। ऑप्शन ए दिया गया आपका फिजिकल मैप, देखिए पॉलिटिकल तो है नहीं, इकोनॉमिक भी नहीं है, सोशल नहीं, ये हमारा क्या है, फिजिकल मैप है, ठीक है, भौतिक माप है, जलवायु हो गया, मृदा हो गया, वन क्षेत्र हो गया। तो राइट आंसर ए इज अ करेक्ट आंसर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, ए बिल्ली,
मारू मारू। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया, चार ऑप्शन दिए गए। ठीक है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ हेजार्ड दैट इज द बोथ नेचुरल एनवायरमेंट। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा खतरा नहीं है जो प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया गया नहीं है, ठीक है, न मानव ने किया है और न ही नेचुरल है। ठीक है, ऑप्शन ए दे युद्ध, ऑप्शन बी दिया अर्थक्वेक भूकंप, ऑप्शन थर्ड दिया गया फॉरेस्ट फायर दवानल, ऑप्शन फोर्थ दिया गया लैंड स्लाइड भूस्खलन। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, युद्ध। ठीक है, वार, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में इलेन का राइट आंसर आपका बिल्कुल ए इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। बिल्कुल राइट आंसर आपका ए इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सावित्री जी का राइट आंसर, अर्पिता जी का राइट आंसर बिल्कुल। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग 12 का राइट आंसर, चार ऑप्शन दे गए। हाँ ना अर्पिता जी, राइट आंसर क्या होगा, चार ऑप्शन दे गए, राइट आंसर दे। विच स्टेडियम इज कंसिडर द बिगेस्ट क्रिकेट स्टेडियम बेस्ड ऑन कैपेसिटी। क्षमता कैपेसिटी के आधार पर किस स्टेडियम को सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम माना जाता है। ऑप्शन ए दिया गया आपका यहाँ पे नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ऑप्शन बी दिया गया है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, ऑप्शन थर्ड दिया गया आपका लॉर्ड, ऑप्शन फोर दिया गया है ईडेन गार्डन्स। अगर हम बात करें तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम को सबसे बड़ा स्टेडियम माना जाता है, तो राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर हो। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप लोग 13 का राइट आंसर देंगे, बिल्कुल अर्पिता जी का राइट आंसर है यहाँ पे, सावित्री जी का राइट आंसर। ठीक, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूस ऑफ द ग्रीन पीस इन द वर्ल्ड। ठीक है, विश्व में हरी मटर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, सबसे बड़ा उत्पादक देश बताइए कौन सा है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन चाइना तो होगा नहीं, ऑस्ट्रेलिया नहीं, कनाडा। आपका राइट आंसर क्या है, ब्राजील, बी इज द करेक्ट आंसर। तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ 14 का राइट आंसर, चार ऑप्शन दिए गए। क्वेश्चन ऑफ 14 का राइट आंसर देगा, बिल्कुल अर्पिता जी का राइट आंसर, बाकी लोग आंसर नहीं दे रहे, बाकी लोग बस देख रहे हैं कि मैम पढ़ा रही है ऐसे। हाँ, सावित्री जी का बी इज द राइट आंसर है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन 14 का राइट आंसर क्या हुआ, राइट आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे, क्वेश्चन 14। ठीक है, टी बुशेस रिक्वायर डैश एंड द मॉइस्ट क्लाइमेट ऑल थ्रू द ईयर। चाय की झाड़ियों को वर्षा भर डैश नम और डैश जलवायु की आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर मैं डायरेक्ट बता दे रही हूँ आप लोग को, कूल फॉरेस्ट नहीं थे, ये क्या होता है आपका, वार्म फूल ऑफ द, सी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बी नहीं होगा अर्पिता जी, राइट आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, राइट आंसर सी, बिल्कुल सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 15 का राइट आंसर, चार ऑप्शन दिए गए। हाँ, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 15 का राइट आंसर, चार ऑप्शन दिए गए। ठीक है, विच ऑफ फॉलोइंग इज द ट्रेडिशनल वे ऑफ द इरिगेशन। सर, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई का पारंपरिक तरीका है। ऑप्शन ए दिया गया सब सरफेस ड्रिप सिस्टम, उप सतह ड्रिप तंत्र, ऑप्शन बी दिया गया चेन वाला तो होगा नहीं, स्प्रिंकल सिस्टम नहीं होगा, ड्रिप सिस्टम। तो पूछा गया पुराना, यहाँ पे पारंपरिक, तो राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आपका सरफेस ड्रिप सिस्टम सी ने, ये आपका ना पूछा गया था ना इस तरह से कि कौन सा आपका जो है यहाँ पे पारंपरिक सबसे पुराना तरीका, तो सबसे पुराना तरीका आपका सरफेस होगा। ठीक है, ड्रिप सिस्टम, तो बताइए। हाँ, बिल्कुल ए इज द राइट आंसर होगा सावित्री जी, आपका राइट आंसर अर्पिता जी का रॉन्ग हो गया था। तो बताइएगा वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।